हरिद्वार की, जहां पर सरकारी राशन की कालाबाजारी के खिलाफ में एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें कि उप जिला अधिकारी हरिद्वार अजय वीर सिंह ने मुखबिर की सूचना पर बहारा दबाद स्थित प्रेम राइस मिल पर छापेमारी की है, जिसमें भारी मात्रा में सरकारी चावल गोदाम से बरामद किए गए हैं। कार्रवाई के बाद गोदाम को सीज कर दिया गया है। साथ ही संबंधित के विरुद्ध में मामला दर्ज कर खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की सुपुर्दगी में दिया गया है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। कि सरकारी राशन को राइस मिल पर ला के लिया जा रहा है, फिर उसके अंदर जो भी इनकी मिली भगत करके इसको ठिकाने लगाते होंगे और यहाँ वहाँ बेचते होंगे। इसकी जब शिकायत सुबह एक दिन पहले भी हमारे पास सूचना आई थी कि ऐसे ही संभवतः कहीं कहीं चलता है। आज सुबह सूचना मिली थी तो मौके पर हम लोग टीम के साथ आए। यहाँ पे मंडी समिति की टीम भी है, सप्लाई की टीम भी है, हमारे राजस्व से भी हैं, पुलिस वाले भी हैं। तो अभी उसकी सीलिंग की कार्रवाई जो जितना हमारा अधिनियम है एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसकी जो भी सुसंगत धाराएं हैं जो भी इस एप्लीकेबल होंगे उसमें हम लोग मुकदमा देते हैं।